नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मणि में आप सभी का स्वागत है। मैं युवा कवि प्रवीण मणि त्रिपाठी हूँ। एक हमारे कवि मित्र हैं, धर्मराज कवि सायर करके हैं, इंस्पेक्टर हैं वो। उन्होंने अभी उन्होंने एक कुछ छंद लिखा हुआ था जो मैंने भी सुना, दरोगा के बारे में लिखा हुआ है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, स्पष्ट लिख मैं याद कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जनवरी जस मजा नवंबर में न पही हो और गद्दा जस मजा रजाई में न पही हो और ठांस के पिस्टल बुलेट से घूमी हो और दरोगा जस मजा मस्टरी में न पही हो। इस तरह से उन्होंने छंद लिखा हुआ था, अवधी भाषा में बोलते हैं और बहुत सारे लोग उन पर आलोचना भी करते हैं, उनकी बोली भाषा बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। हालांकि मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, उन्हें बहुत ही बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए मित्र, आप हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, तो जो हिंदी को कमजोर, अगर आप अपनी क्षेत्रीय बोली को ही अपने सबसे ऊपर ऊपर रखेंगे तो हिंदी कमजोर होगी। हिंदी को कमजोर नहीं करना है, हिंदी को मजबूत करना है पूरी तरह से। तो हिंदी भाषा में भी वार्तालाप कभी कभी कर लिया करें और हिंदी भाषा में भी कुछ बोल लिया करें। क्षेत्रीय भाषा भी जैसे मान लीजिए, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय भाषा से ऊपर ही हो जाए। और जिस तरह से दक्षिणी भारत में या बाकी राज्यों में जिस तरह से हिंदी को लेकर विरोध झेलना पड़ता है, उसी तरह से क्या हमारे उत्तर प्रदेश में भी हिंदी को लेकर लोग विरोध झेलेंगे? तो कम से कम अपनी क्षेत्रीय बोली को कभी कभी हो सक अच्छी क्षेत्रीय बोली भी अपने आप में वह भी मातृभाषा होती है, लेकिन हिंदी का बलिदान देकर क्षेत्रीय बोली का कद नहीं बढ़ाना चाहिए। तो कभी कभी अगर आप 10 वीडियो बनाते हैं या 10 कविता बनाते हैं तो कम से कम 2-4 कविता अगर क्षेत्रीय बोली ऊपर बनाइए। हिंदी को थोड़ा सा प्रतिष्ठा दीजिए, इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि और अगर आप अपनी क्षेत्रीय बोली में भी बोलते हैं, अवधी भाषा में बोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें लगता है ये फालतू है, गंवारूपन है अवधी भाषा। तो इस तरह का मैं सुनता हूं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिलहाल यह तो फिलहाल नहीं कहना चाहिए लोगों को, लेकिन आपकी भी गलती है। आप हिंदी में भी तो कुछ वार्तालाप कर सकते हैं, हिंदी में भी वीडियो बनाया करिए, हिंदी में भी कविता कहानी लिखा करिए, बोला करिए। इतना नहीं क्षेत्रीय भाषा में रच बस जाना चाहिए कि अपने हिंदी माता का ही अपमान होने लगे। तो फिलहाल मेरा